सिनेमा। कुत्ते और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले जंगल में एक खरगोश रहा करता था। खरगोश के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। खरगोश अपने बच्चों के लिए रोजाना खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता। जब भी वह बाहर जाता तो उसे अपने बच्चों की चिंता होती थी कि कोई शिकारी आकर उन्हें खा न ले। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक जंगली कुत्ता भी था। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था, तब उसने खरगोश और उसके बच्चों को देखा। पहले तो उस जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह उनका शिकार करेगा, लेकिन जैसे ही खरगोश अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश पर गया तो कुत्ते को बच्चों पर दया आ गई और उसने बच्चों को कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास जाकर बैठ गया और उनका ध्यान रखने लगा था कि कोई दूसरा जानवर आकर उनका शिकार ना करे। कुछ देर बाद खरगोश खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले जंगली कुत्ते को देखा। जंगली कुत्ते को देखकर खरगोश बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे आसपास ही हैं और कुत्ता उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा। अपने बच्चों को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हो गया और उसके अंदर का डर कम हो गया। फिर धीरे धीरे चुपके से कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे देखा और कहा, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो अभी तक तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं होते। यह सुनकर खरगोश उसकी बात को मान लिया और उसके नजदीक गया। दोनों ने बैठकर बातें की और अब वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इन्हीं सब चीजों को दूर खड़ी एक लोमड़ी भी देख रही थी। उसने यह देखकर एक तरकीब निकाली। उस लोमड़ी ने सोचा कि वह सबसे पहले जंगली कुत्ते से दोस्ती करेगी और फिर समय देखकर उन खरगोश के बच्चों को खा जाएगी। अब जैसे ही जंगली कुत्ता वहां से निकला, लोमड़ी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह जंगली कुत्ते से बहुत प्यार से बात कर रही थी। इस वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चलता रहा था। लेकिन एक दिन जब जंगली कुत्ता और खरगोश दोनों ही शिकार पर गए थे, तब लोमड़ी आकर खरगोश के एक बच्चे को लेकर चली गई और उसे खा गई। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब खरगोश और जंगली कुत्ता वापस आए तो उन्होंने देखा कि खरगोश का एक बच्चा गायब था। उन्हें इसकी बहुत चिंता हुई, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि कोई जानवर आकर खरगोश के बच्चे को ले गया। उन्होंने सोचा कि अगले दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों एक साथ शिकार पर गए। इस बार फिर लोमड़ी वहां आकर खरगोश के एक बच्चे को ले गई और उसे खा गई। जंगली कुत्ता और खरगोश फिर से वापस आए और उन्होंने देखा कि उसके बच्चे में से एक बच्चा फिर से गायब था। अब जंगली कुत्ता सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो रोज खरगोश के बच्चों को ले जा रहा है। अगले दिन जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह शिकार पर नहीं जाएगा और रुककर बच्चों को देखेगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया, खरगोश शिकार पर चला गया और जंगली कुत्ता पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों को देखने लगा। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी वहां वापस आई। लोमड़ी को देखकर जंगली कुत्ता समझ चुका था कि इन सब के पीछे वह लोमड़ी ही थी। उसने चालाकी से आकर उससे दोस्ती की और उसे बेवकूफ बना रही थी। यह सब देखकर जंगली कुत्ते ने उस लोमड़ी को मार दिया। खरगोश वापस आया तो जंगली कुत्ते ने उसे सारी बात बताई और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन किसी भी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर सतर्क होना चाहिए कि वह हमें किसी तरीके से नुकसान न पहुंचा दे। तो यह थी खरगोश और कुत्ते की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।